तो ये रोशन सर हैं, उन्होंने स्पेशल एक चीज़ हमारे लिए प्रिपेयर की है। तो सर ये क्या है बताओगे क्या प्लीज़? सर ये टोमेटो बोकनचिनी सैलड है सर, बफेलो मोजरेला एंड कोस टोमेटोज के साथ में पेस्टो मैरिनेटेड। थैंक्स, ये शेफ गौरव सर हैं एंड ही हैज़ प्रिपेयर्ड अ स्पेशल डेजर्ट फॉर अस। सो हेलो फ्रेंड्स, विथ मी यू नो आई हैव शेफ रोशन एंड शेफ गौरव। सर आपने यू नो यू मेड अवर स्टे रियली गुड। सो फ्रेंड्स, आपको पहली टिप देता हूँ, व्हेन यू स्टे इन आगरा मेक श्योर दैट योर होटल इज़ गुड। फॉर मी आई हैड कपल ऑफ यू नो ऑप्शंस एंड आई डिसाइडेड दैट आई विल स्टे इन अ होटल दैट इज नियर टू डिफरेंट अट्रैक्शन एंड ऑल्सो यू नो होटल दैट गिव्स यू रिक्वायर्ड लग्जरी एंड इन रिजनेबल रेट्स एज वेल। एंड दैट्स वेयर आई फाउंड हॉलीडे इन। एंड सर नॉट जस्ट द डिनर बट आपको ब्रेकफास्ट में भी यू नो यू गेव अमेजिंग ऑप्शन लेविश ब्रेकफास्ट विथ विच वी स्टार्टेड अवर डेज एंड वी एंडेड डेज विथ योर डिनर बफेट विच इज ऑलवेज यू नो वेरी गुड। गाइज आई रिकमेंड यू प्लीज कम हियर हॉलीडे इन, इट्स यू नो नियर टू ऑल द अट्रैक्शंस, द फूड सर्विस हॉस्पिटलिटी इट्स अमेजिंग। एंड शेफ रोशन सर ने बहुत सारी ट्रैवल टिप्स भी दी है हमें, तो गाइज मैं आपको आगे के जो टिप्स दूंगा उसमें ये भी कवर करूंगा कि शेफ रोशन ने क्या क्या बताया। सो थैंक यू फॉर दैट आल्सो शेफ रोशन। थैंक यू सो मच। दिस वाज द बेस्ट होटल। ये सो फ्रेंड, टुडे इज आवर थर्ड डे इन आगरा एंड वी आर अगेन विजिटिंग ताजमहल। आप यहाँ से होते हुए जाते हो, आप जैसे एंटर होते हो यू नो मेनी पीपल विल मीट यू टुवर्ड्स द गेट देयर, बट आप अच्छे से गाइड भी आपको चूज करना हो तो आप अच्छे से चूज कीजिए, देख के चूज कीजिए, जो गवर्नमेंट वाला जो ऑथोराइज्ड गाइड हो उसको चूज कीजिए, टिकट ऑनलाइन कर दीजिए। आपको कई जगह पे वो शूज़ का कवर बोलेंगे कि ले लीजिए, तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, शूज़ आप हाथ में पकड़ के जा सकते हो। देर आर एरियाज लाइक मॉस्क, ताजमहल के अंदर भी आपको शूज़ पहन के जाने की परमिशन नहीं है, तो या तो आप शूज़ उतार दीजिए या तो हाथ में ले लीजिए, अदरवाइज यू कैन कवर दैट। अगेन दो टिकट है अलग टाइप की, एक आपको ताजमहल बाहर से देखना है तो उसकी 50 rupees की है, बाहर से मतलब जो कब्र है शाहजहां की एंड मुमताज़ की वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इफ़ यू वांट टू गो टिल दैट प्लेस तो उसकी 250 की टिकट रहती है, जनरल टिकट रहती है वो 50 rupees की रहती है। अगेन दिस आर सम ऑफ द कॉमन थिंग्स यू नो यू दिस टिप्स विल हेल्प यू, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट यदि आपके पास कुछ भी खाना है तो वो खाना आप छोड़ के जाइए क्योंकि वो आपका बैग रखवा देंगे। तो बेटर है कि आप खाना या माइक है आपका ऐसा कुछ लेके नहीं जाइए, फ़ोन ले जा सकते हो, पानी की बोतल में भी पानी निकाल देंगे। सो नथिंग यू कैन कैरी इनसाइड द ताजमहल। एंड यू कैन सी फ्रेंड्स, इट्स अ ब्यूटीफुल गार्डन आउटसाइड ऑफ द ताजमहल, सो मेनी ट्रीज प्लांटेड, ब्यूटीफुल प्लेस। तो यहाँ से आप एंटर होते हो फ्रेंड्स, आपको साइन बोर्ड्स दिख रहे हैं लोकर, इफ यू वांट टू पुट योर बैगेज समवेयर देयर आर ऑप्शंस।
एंड आप देख सकते हो डिफरेंस। उस दिन जब हम आए थे इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, एंड आज कोई नहीं है, वी आर द ओनली वंस। सो द मैसेज इज यू कम अर्ली इन द मॉर्निंग। से दोस्त आप एंट्री करते हो, पुलिस के बैरिकेड्स आपको दिख रहे हैं। सो यहाँ पे होते हुए जाओगे आप, एंड दिस इज द प्लेस के जहाँ पे आपका सिक्योरिटी चेकिंग होगा, एंड देन यू कैन एंटर। यू कैन सी देयर आर थिंग्स दैट यू कैन नॉट कैरी, पानी की बोतल, वेपन्स ऑफ कोर्स नॉट, मोबाइल वो ले जाने देते हैं, इट जस्ट कि आपके साथ इलेक्ट्रॉनिक माइक या चार्ज वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उसका चार्जर वार्जर होगा तो शायद निकाल देंगे। एंड यू कैन सी दिस इज द गेट फ्रॉम वेयर वी विल एंटर। एंड यू कैन सी कि आज यहाँ पे भीड़ है ही नहीं। पहले दिन हम आए थे जब दोपहर को भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। एंड यू नो यू कैन सी आज खाली है, पूरा खाली है, बिकॉज वी आर कमिंग इन द मॉर्निंग। सो डू कम इन द मॉर्निंग, इट विल बी अमेजिंग। प्राचीन सिद्धेश्वर मंदिर इज हियर, सो दैट पीपल आर प्रेइंग। सो दोस्तों यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं, एंड आप देख सकते हो दिस इज द फर्स्ट गेट दैट यू नो फ्रॉम वेयर वी आर एंटरिंग। एंड ताजमहल के मल्टीपल गेट्स हैं, यू नो दिस इज द फर्स्ट गेट। नॉर्मली क्या होता था कि इस गेट से, अगेन आई विल शो यू दिस गेट, इस गेट से जो भी राजा के मंत्री होते थे वो एंटर होते थे। स्टेटस के हिसाब से अलग अलग गेट बनाए हुए थे, विच मीन्स पब्लिक को एंटर होने के लिए अलग गेट था, राजा के जो रॉयल फैमिली है, रॉयल फैमिली मेंबर्स को एंटर होने के लिए अलग गेट था, एंड जो जनरल पब्लिक है उनको एंटर होने के लिए अलग गेट था। तो वी आर एंटरिंग एंड यू कैन सी ताजमहल। आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, इस गेट से होते हुए आपको ताजमहल में एंटर होना पड़ता है। सो एंड दिस इज, एंड यू कैन सी इट्स अ ब्यूटीफुल सनराइज। सनराइज के टाइम पे ताजमहल देखने का मजा ही कुछ और है। यू कैन हैव वाटर एंड यू कैन एंटर, इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। एंड व्हाट अ लुक, अमेजिंग। तो ये जो है वो दूसरा गेट है जो मैं बता रहा था आपको, रॉयल फैमिली इस वाले गेट से एंटर होती थी, एंड जहाँ हम खड़े हैं उसके टोटल ऑपोजिट साइड पे एक थर्ड गेट है जहाँ से नॉर्मल पब्लिक एंटर होती थी। सो दिस वे यू नो ऑपोजिट टू दिस गेट के जहाँ से होते हुए आपको ताजमहल दिखेगा, देर आर थ्री गेट्स। एक सबसे सामने के जहाँ से राजा एंटर होते थे उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ, सामने वाला गेट जहाँ से पब्लिक एंटर होती थी, एंड ये वाला गेट जहाँ से मंत्री एंटर होते थे। सो नाउ गाइज वी विल गो इनसाइड दिस गेट टू सी द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ ताजमहल। एंड गाइज दिस इज ब्यूटिफुल, लेट्स गो इनसाइड। ये जल्दी मॉर्निंग में 6 बजे खुल जाता है, एंड शाम को 5 बजे के बाद इसकी एंट्री बंद हो जाती है। तो आप यदि आते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप जल्दी आइए, मॉर्निंग में आइए। आई विल शो यू पिक्चर्स कि बाद में कैसे दिखता है एंड अभी मॉर्निंग में कैसे दिखता है, दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। इट्स ब्यूटीफुल, वी आर एंटरिंग इन साइड एंड आई विल शो यू द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ ताजमहल वाइल वी एंटर फ्रॉम दिस गेट। हर जगह पर ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, तो शाहजहां ने जैसे अपनी प्रिय बेगम मुमताज के लिए ये बनवाया था, मुमताज शाहजहां के 14th किड को बर्थ देने के टाइम पे भगवान को प्यारी हो गई, अल्लाह को प्यारी हो गई, एंड दैट्स वेयर यू नो इन हर मेमोरी शाहजहां क्रिएटेड दिस। 1931 के 2 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, एंड 1953 तक चला। 10 साल लगे ताजमहल को बनाने में, एंड उसके बाद उसके सराउंडिंग बिल्डिंग्स बनाने में टाइम लगा। एंड यू कैन सी इट इज ब्यूटीफुल।
I am getting the first glimpse of Taj Mahal. Wow, beautiful. It is beautiful. Oh my God. What a view. What a view, friends. Wow. This is amazing. You can see. ये जो water है, water की वजह से it looks stunning. Beautiful. Wow. What a treat. So this is the gate from where we entered, friends. Total Taj Mahal ko banne mein 22 saal lage. एंड इसीलिए आपके ऊपर आप ऊपर जो देख रहे हो 11 गुंबज एक साइड एंड 11 दूसरी साइड, टोटल 22 गुंबज जो उसका प्रतीत कराते हैं कि बनने में 22 साल लगे. वन फॉर ईच ईयर. सन राइज हो चुका है एंड यू कैन सी सन रेज फॉलिंग ऑन द ताज महल एंड इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल. अभी हम आगे जाएंगे एंड दिस इज द स्पॉट कि जहाँ से बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं तो यहाँ पे बैठ के फोटो सेशन कराते हैं. यू सी बिल क्लिंटन, यू सी इवांका ट्रंप, जस्टिन कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हर कोई आके यहाँ पे तो फोटो सेशन करवाता ही है. सो नाउ वी विल गो टू दिस लोकेशन. अगेन आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पर आइए, फोटो सेशन करवाइए. इट्स अ ब्यूटिफुल लोकेशन. वाओ. सो गाइज, हम अभी ये बीच में हैं एंड आप देख सकते हो कि इसके राइट हैंड साइड में जो जगह है दैट इज द म्यूजियम. उसके लेफ्ट में जो जगह है, अगेन दिस इज अ प्लेस के जिसको जल महल बोलते हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे म्यूजिशियंस रहा करते थे, बट इट इज़ नॉट ट्रू. एंड देन यू कैन सी ताजमहल. ताजमहल की दोनों साइड पर आई हुई इमारतें क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा जस्ट इन अ मोमेंट. But this is a perfect photoshoot location, guys. You can see. Please, यहाँ पे सामने मीता है. मीता एक मिनट, लोग यहाँ देखो. यहाँ पे सामने मीता है भाई लोग. मीता का फोटो वहाँ पे लेने के लिए मैं और भामाज यहाँ पे आए हैं इसके अंदर. So कभी कभी फोटोग्राफर्स को कहीं पे भी जाना पड़ता है. You can see. लोग देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं. Okay, done. तो दोस्तों, हम ताजमहल के एकदम नज़दीक आ गए हैं. आप देख सकते हो कि ताजमहल के एग्जैक्ट राइट हैंड साइड पे यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, दैट इज़ द अतिथि गृह, जहाँ पे अतिथि आते थे तो उनको यहाँ पे रुकाते थे. एंड ताजमहल की दूसरी साइड पे जामा मस्जिद है. तो जामा मस्जिद में एंड ताजमहल दोनों के अंदर आप शूज़ पहन के नहीं जा सकते हो. यू कैन विजिट अतिथि गृह, आप जामा मस्जिद भी जा सकते हो बट शूज़ पहने बगैर. हाँ, दैट्स अ मस्जिद. एंड मस्जिद में आपको मस्जिद में जाने के लिए एंड अतिथि गृह में जाने के लिए आपको कोई टिकट नहीं लगती है. ताजमहल में जाने के लिए आपको एडिशनल 200 रुपीस की टिकट लगती है, जो वहाँ पे मस्जिद के आगे जो काउंटर है वहाँ से मिल जाएगी. सो हो सकता है कि आपने 50 रुपीस की जनरल टिकट लेके एंट्री की है. इन दैट केस यू कैन परचेज द टिकट फ्रॉम द काउंटर नियर द मस्जिद एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन एंटर टू द ताजमहल. It's a beautiful view. And ताजमहल के ठीक पीछे यमुना रिवर है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. तो अभी हम दोस्त जाएंगे अतिथि गुरु की साइड पे. तो ताजमहल की साइड से होते हुए आप अतिथि गृह में जा सकते हो. यदि आपने 250 वाली टिकट ली है तो डायरेक्ट आपको ताजमहल में एंट्री मिलती है. उस दिन हम ताजमहल के अंदर एंट्री करके आए, तो आज हमने 50 रुपीज वाली टिकट ली है कि जो हम साइड से देखेंगे ताजमहल को. एंड आई विल आल्सो शो यू व्हाट इज द बेस्ट व्यू टू सी सनराइज एंड ताजमहल टुगेदर.
तो ये है अतिथि गुरु एंड विल गो क्लोजर, विल हैव अ क्लोजर लुक सुन। एंड अतिथि गुरु से दिस इज द व्यू वी गेट ऑफ द ताजमहल। इजंट इट ब्यूटीफुल गाइस, अमेजिंग, वाओ। एंड ये है अतिथि गुरु। समन सेड इट करेक्टली कि ताजमहल सुबह को अलग दिखता है, शाम को अलग दिखता है एंड दोपहर को अलग दिखता है। एंड आई लाइक अर्ली मॉर्निंग व्यू ऑफ द ताजमहल, इट्स ब्यूटीफुल। And this is Mehman Khana Atithi Guru from inside. And friends, ये शायद दशरथ गढ़ है जो एकदम साइड में है। यहाँ पे भी काफी यू नो फोटोशूट्स होते हैं क्योंकि ताजमहल का बहुत अच्छा व्यू आता है। एंड सामने की साइड में मेहता पार्क है, तो कल हम गए थे मेहताब पार्क में एंड वहां से हमने ताजमहल का व्यू लिया था। एंड आई जस्ट शो यू, इट इज अ ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम हियर। Beautiful. It's a beautiful view. मेहताब पार्क के पास आए हैं हम। You can see, this is मेहताब पार्क एंड हम इस साइड जा रहे हैं जहाँ पे है ताज व्यू पॉइंट। सो गाइज, हम मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में आए हैं मेहताब पार्क में के सामने से ये व्यू देख सके। एंड यू कैन सी इट्स ब्यूटिफुल व्यू ऑफ ताजमहल। It's a delight to see this view. एंड दोस्तों, अभी हम हैं आगरा फोर्ट पे। काफ़ी ब्यूटीफुल रेड फोर्ट है, यू कैन सी। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इट। इसकी ऑनलाइन टिकट रहती है तो आप ऑनलाइन बुक करके एंटर हो सकते हो। ब्यूटीफुल। गाइज, इट्स अ ब्यूटीफुल फोर्ट। ये वही फोर्ट है कि जहाँ पे शाहजहाँ ने अपने लास्ट कुछ साल बिताए थे। द ओनली थिंग ही कुड सी वॉज ताजमहल ऑन द अदर साइड ऑफ द यमुना रिवर। सो एक साइड पे ये फोर्ट था एंड दूसरी साइड पे ताजमहल। एंड ही कुड सी द ब्यूटीफुल ताजमहल दैट ही बिल्ट फॉर हिज बिलोड वाइफ मुमताज। अगेन, आप यहाँ पे आ रहे हो तो आई सजेस्ट कि आप अर्ली मॉर्निंग में आइए
because early morning you can see there is no one, literally no one. And you know, you can do a good photo shooting and you will have really good time. Beautiful, and you can see beautiful Yamuna River and Taj Mahal from here. That's a beautiful Taj Mahal. Wow, this is beautiful. Beautiful. एंड ये जो आपको दिख रहा है, जो खाई जैसा दिख रहा है, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ रहता था और यहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल्स रखे गए थे कि कोई अंदर आ ना सके. This is the most famous Agra fort. This is the only fort कि जहाँ पे early Mughal emperors lived. Again, Mughal का नाम कैसे आया? That is also beautiful history. It is basically Mongols. Why? Because Babur came from Uzbekistan and her mother and father, if you see, one of the bloodline was from Mongols. And that's how Indians couldn't pronounce Mongols properly, and that's how Mughals came into the picture. So if you see Humayun was coronated here. If you see Akbar also, you know, rebuilt this palace. So early Mughal emperors used to live here. सबसे पहले Ghaznavi ने थोड़े टाइम के लिए इस फोर्ट को कैप्चर किया था. Then Rajput, you know, warriors again, you know, captured it. And then when Lodhi shifted its capital from Delhi to Agra, he built many buildings into this fort, and that's where it started. So then basically, you know, Akbar rebuilt it in the red stone, and that's where you see the current state of the fort. The red buildings everywhere, it's because of the Akbar, King Akbar. उस टाइम पे 200 के जितने बिल्डिंग थे, अभी खाली 30 बिल्डिंग बचे हैं. बट दैट्स व्हाई द ब्यूटीफुल प्लेस कम्स इन द पिक्चर. गुड डिस्ट्रक्शन हैपेंड बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स, एंड दैट्स द रीजन कि मेजॉरिटी ऑफ द बिल्डिंग्स आर नॉट देयर एंड ओनली 30 बिल्डिंग्स आर देयर. तो दोस्तों, हम हैं फतेहपुर सिकरी के फोर्ट में, एंड आप जो देख रहे हो ये है बुलंद दरवाजा. एंड जो यहाँ पे साइड में दिखते हो, यहाँ पे लंगर लगते थे कि बादशाह अकबर जब गरीबों को खाना खिलाते थे यहाँ पे खिलाते थे. एंड ऑल यू सी दिस, यू नो, बिग फोर्ट दैट्स बिल्ट बाय किंग अकबर. एंड यू नो, दिस इज़ द बुलंद दरवाज़ा. पीछे से शॉर्टकट भी है, बट ये मेन दरवाज़ा है, तो यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं. ऊंचा दरवाजा माने गए. इसका हाइट है प्लेटफॉर्म से लेके ऊपर टॉप तक 134 फीट का है ये बुलंद दरवाजा. रोड पार्किंग से 176 मीटर. वाओ, 890 फीट. ब्यूटीफुल. व्हाट अ मेमथ. ब्यूटीफुल. एंड दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ से पूरा व्यू आता था किंग अकबर को, पूरी वैली का व्यू आता था. 10 किलोमीटर के रेडियस में बहुत सारे गेट्स भी थे. टोटल 10 गेट्स थे जहाँ से हम आए. ऊपर से वो आगरा गेट था जहाँ से राजा अकबर आते थे, एंड बाकी सारे आम पब्लिक के लिए थे. ये 52 स्टेप है मामन सिंह. ये 52 स्टेप है. सर, आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद शाह. मोहम्मद शाह सर हैं जो हमें सुना सब समझा रहे हैं. थैंक यू सर. और ये पूरा है वादी का इलाका. आगे ये जो आपको दिख रहा है, ये फतेहपुर सिकरी, और इसके फतेहपुर है और इसके पीछे है सिकरी है. सिकरी गांव है. और अब हम एंटर होंगे अंदर बुलंद दरवाजे से. अंदर एंटर होंगे वो भैया बताएंगे. भैया, दिलहरा सॉन्ग
दो दिन मिल रहे हैं मगर चिपके चिपके। हाँ, दो दिन मिल रहे हैं परदेश फिल्म के अंदर में। परदेश फिल्म का ये यहाँ पे हुआ था शूटिंग। क्या बात है, वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल फोर्ट। दरगाह भी उसके अंदर ही है। अनारकली एक काशी की लड़की थी, डांसर, और सलीम से मोहब्बत करती थी, अकबर को पसंद नहीं था। जी, एक राजा और एक नौकरानी। जी, अकबर ने अनारकली को इस फिल्म के अंदर दीवार में चुनवाया। अच्छा, इसके अंदर वो किया था। उसकी माँ दासी ने पैर पकड़ के अकबर के रोने लगी। अकबर ने उसको माफ कर दिया था और आगरा फोर्ट किले के अंदर उसको जिंदा निकाल दिया, बाहर से निकाल दिया। क्या अनारकली मर गए, उसको मारी नहीं, आगरा, आगरा से लाहौर। इस सुरंग को सन 1905 में ब्रिटिश के डैम में इसको ब्लॉक कर दिया। बीच बीच जगह से गवर्नमेंट ने वो टूट गया है ना, उसको भर दिया ये लॉक। स्टोन पत्थर की जालियाँ, हर जाली का निशान अलग अलग कहते हैं। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, सबके डिज़ाइन अलग अलग हैं। अकबर ने यहाँ एक धर्म चलाया था, दीन इलाही। जी जी, अकबर सब धर्मों को मानते थे। जी, ये जगह हुआ जो अकबर ने धर्म कायम करा था। बहुत ये क्या है, लैंप है यहाँ पे, लेंगे इसमें कैंडल लगा देंगे, नाइट लैंप। बहुत बढ़िया, और ये पत्थर से बना है दोस्तों, पूरा पत्थर का, सारा हैंड मेकिंग है, पूरा हैंड कारीगरी है। बहुत ही सुंदर, और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पे, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय। अगरबत्ती मिल जाएगी, अगरबत्ती स्टैंड मिल जाएगा, LED भी लगाइएगा, बहुत सुंदर चीज़। तो दोस्तों अभी हम आ रहे हैं जोधाबाई के महल में। आपको दिख रहा है ये QR कोड, ये QR कोड को यहाँ पे स्कैन करके आप ऑनलाइन बुक पेमेंट करके टिकट लेके जा सकते हो, बच्चों को फ्री है। एंड यू नो यू कैन गो एंड लेट्स सी हाउ इज द जोधाबाई महल। एंड हर जगह पे साइन बोर्ड लगे हुए, यू कैन सी यहाँ पे अस्तबल है, घोड़ों का प्लेस, एंड यहाँ पे है जोधाबाई का प्लेस। अकबर के पैलेस में जहाँ पे दरगाह है वहाँ पे कोई एंट्री फी नहीं है, एंड वहाँ पे क्लीनलीनेस भी नहीं है मेंटेन, बट हियर आई वी कैन सी इट इज यू नो वेरी क्लीन। रमजान का चांद देखा करती थी। अच्छा, हिंदू रानी जोधाबाई करवा चौथ का चांद देखी थी और सुबह के टाइम सूरज को जल चढ़ाती थी। अच्छा, रानी कृष्ण थी, नाम था मरियम, जो चंदी रात में इस बिल्डिंग के टॉप पर हवा खाने जाती थी, इसको बोलते हैं हवा महल। बिल्डिंग को 176 किलरों पर बनाया गया है, 176 स्टोन के पिलरों पर बिल्डिंग को बनाया गया है। हम लोग पंचमहल हवा महल कहते हैं। ये ऊपर जाने का रास्ता है मगर इस जगह को बंद कर रखा है। तो ये जो है ये है पूरा मेडिकल फैसिलिटी है ना भैया, यहाँ पे पूरे मेडिकल जो वैद्य रहते थे, हकीम रहते थे। आप पूरे दिन में नहीं घूम सकते, इतनी बड़ी जगह है, मगर आपको सिर्फ दो जगह देखने के लिए मिलती है। अच्छा, तो ये पूरा सेम था, कनेक्टेड था, बाकी का टूट गया है। मंडप नहीं था सर, अकबर के राज ज्योतिष के बैठने की जगह थी। अच्छा, ज्योतिष यहाँ पे बैठते थे। बादशाह अकबर के पास एक राज ज्योतिष थे जिनका नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास। पंडित पुरुषोत्तम दास जी यहाँ बैठकर उस जमाने में भविष्यवाणी किया करते थे। अच्छा, रात में सो
अकबर का हाथ देखकर पंडित जी उनकी भविष्यवाणी बताया करते थे। ये क्रॉस स्टोन लगाए ना, ये साउथ मंदिर पर जाने के, साउथ के अंदर जो मंदिर होते हैं उनके अंदर ये डिजाइनिंग बनाते हैं, जिसे आर्किटेक्चर कहते हैं। ये इसके अंदर बना, थोड़ा इधर आइए। बहुत बढ़िया। तीन बिल्डिंग आपसी में कनेक्ट, आज के जमाने का बैंक है, अकबर के जमाने का था खजाना है। अच्छा, ये खजाना पैसा था, पेपर मनी नहीं थी, गोल्ड सिल्वर कॉपर सोना चांदी और तांबा, ये तीन रूम आपसी में कनेक्ट कर बनाए थे। अच्छा जी, इसको खजाना महल भी कहते थे, मीटिंग करते थे। हाँ, तो दो चीजें हैं, दीवाने खास, दीवाने आम। दीवाने आम पब्लिक के लिए, दीवाने खास अकबर के मंत्रियों के लिए। ये बाहर से दो मंजिला दिखता है। हाँ जी, अंदर से एक मंजिला है। अच्छा, इस बिल्डिंग का नाम दीवाने खास है, अकबर के नौ मंत्री थे यहाँ बैठकर सीक्रेट मीटिंग किया करते थे, इसको दीवाने खास कहते हैं। एक मिनट, दीवाने खास पार्लियामेंट हाउस के ब्यूटीफुल 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 वाओ। इस बिल्डिंग का नाम दीवाने खास है, यानी सर आज के जमाने का पार्लियामेंट हाउस, अकबर के नाइन मिनिस्टर्स यहाँ बैठकर सीक्रेट मीटिंग किया करते थे, दीवाने खास है। यहाँ बीच में शहंशाह अकबर बैठे थे जी मैडम, वो चैम्बर दिखते हैं ना इजाली वाला, वो चैम्बर के अंदर अकबर, उसके नौ मंत्री थे, नाइन मिनिस्टर्स उस चैम्बर के अंदर बैठे थे। यहाँ प्लेन जगह पर उसकी प्रजा यानी कि आम जनता बैठती थी, वहाँ बैठकर बादशाह अकबर आम जनता की परेशानी सुनते थे, वहीं बैठकर फैसला सुनाते थे। जगह का नाम रखा था दीवाने आम। एंड दोस्तों, ये हम आ गए हिकमतउद्दौला। तो दोस्तों, ये आपको जो दिख रहा है, दैट्स हिकमतउद्दौला। हिकमतउद्दौला को छोटे ताज के नाम से भी जाना जाता है, एंड इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नूरजहां, आपको पता होगा, थोड़ी हिस्ट्री में बैक चलते हैं, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा सलीम, सलीम एंड अनारकली की स्टोरी आपको पता होगी। सलीम का को जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है, एंड सलीम की बेगम नूरजहां, नूरजहां ने दो बहुत ही अच्छी इमारतें बनाई, एक हिकमतउद्दौला जो उनके पिताजी के लिए बनवाई, उनके पिताजी को हिकमतउद्दौला मतलब पिलर ऑफ द स्टेट का खिताब दिया गया था, तो जब वो मरे उनके लिए नूरजहां ने ये इमारत बनवाई, एंड जब जहांगीर मरे, सलीम मरे, उनके लिए मकबरा बनवाया उन्होंने लाहौर में। सो दिस आर द टू इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड बाय नूरजहां, दिस इज़ वन। एंड नूरजहां के बेटे शाहजहां, उन्होंने अपनी बेगम के लिए जो मुमताज थी उनके लिए ताजमहल बनाया, एंड अ गुड कोरिलेशन गाइस, कि जो मुमताज हैं, मुमताज इज आल्सो ग्रैंड डॉटर ऑफ हिकमतउद्दौला। नाम बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, हिकमतउद्दौला के जिनके लिए नूरजहां ने ये बनाई, उनकी ग्रैंड डॉटर, उनके लिए नूरजहां के ही सन, विच इज शाहजहां, जिन्होंने उनसे शादी की और उनके लिए ताजमहल बनवाया। तो ये ताजमहल से पहले बनी हुई काफ़ी सुंदर इमारत है, आइए देखते हैं अंदर से ये कैसी है। हम अंदर जा रहे हैं, एंड दैट्स वेयर आई कैन सी द ब्यूटीफुल मोनूमेंट। वाओ, ताज के जैसे ये भी पूरा वाइट कलर में बना हुआ है, इट लुक्स ब्यूटीफुल। एंड कहा जाता है कि दिस वॉज द इंस्पिरेशन ऑफ ताज एज वेल। ब्यूटिफुल, इट्स अ ब्यूटिफुल मोनूमेंट, एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड। इतने सालों के बाद, 400-500 सालों के बाद, ऑल्सो यू कैन सी इट्स प्रिजर्व्ड नाइसली।
ब्यूटीफुल आर्ट, वाओ। Beautiful. So guys, what you see is tomb of King Akbar. अकबर के मरने के बाद उनके बेटे जहांगीर ने मल्टी एकर्स में फैला हुआ ये विशाल मकबरा उनके लिए बनवाया। तो आइए देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। This is huge. बोला जाता है कि ताजमहल बनाने के टाइम पे काफी चीजें इसमें से एज इंस्पिरेशन ली गई है। This is huge, guys. ये मल्टी एकर्स में फैला हुआ काफी, आप देख रहे हो काफी बड़ा है। सो नाउ वी विल गो टुवर्ड्स दिस साइड कि जहाँ पे एक्चुअल अकबर की टॉम्ब लिखी है। मतलब फ्रेंड्स, दिस इज ब्यूटीफुल एंड व्हाट अमेज्ड मी वाज द ग्रीनरी ऑल अराउंड एंड यू कैन सी दिस डियर्स। बहुत सारे डियर हैं यहाँ पे। दिस इज अमेजिंग, ब्यूटीफुल। Guys, you can see it's beautiful. काफी कुछ डिस्ट्रक्ट हो चुका है, but still you can see the beauty. Wow, the colors. I can just imagine how beautiful it would have been. This is amazing. हम देख रहे हैं, देखने जा रहे हैं किंग अकबर की टॉम्ब। दोस्तों बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, तो ये पहला वाला है कि जहाँ पे अकबर एंड जोधाबाई की जो डॉटर थी उनकी कब्र है। इसके पास में एक जगह पे औरंगजेब के बच्चे की कब्र है, उनकी बच्ची की कब्र है। सो इन शॉर्ट इफ आई सी देर आर मल्टीपल रूम्स एंड हर रूम में कुछ ना कुछ है। ये औरंगजेब के बच्चे की कब्र है। यहाँ से आप पूरा घूम सकते हो, ये काफी एकर्स में फैला हुआ है। यहाँ पे हिरन एंड बहुत सारे एनिमल्स भी हैं। हिरन मो इसके ऊपर है फोर्ट सिकंदरा, बट वहाँ जाना अलाउड नहीं है। इसके और भी गेट्स हैं बाकी साइड्स पे, बट एंट्री अभी खाली एक ही गेट से अलाउड है जहाँ से हम अभी आए हैं। फोर्ट में जाना अभी अलाउड नहीं है। सिकंदरा फोर्ट इट लुक्स ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड, बट अंदर की एंट्री अलाउड नहीं है। व्हाट व्यू मॉर्निंग में यहाँ पे, आई थिंक और भी अच्छा लगता होगा।
Sun Temple. You can see it's beautiful. Now what you are going to see is mesmerizing. Itna sundar hai ye temple. Amazing. It is beautiful.